सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। क्या लाइगर के नए पोस्टर ने पीछे छोड़ा बाहुबली को? क्या लाइगर बनाएगी इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में नई जगह? हेलो गाइस, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। साउथ सुपरस्टार विजय देवकोंडा की मच अवेटेड फिल्म लाइगर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर का फैंस को लंबे समय से इंतजार था। इस फिल्म से विजय देवकोंडा बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस ट्रेलर ने महज कुछ ही घंटों में करोड़ों व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रेलर को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए कहा जा रहा है कि यह 24 घंटों में कई बड़े फिल्मों के ट्रेलर को पीछे छोड़ चुकी है। लाइगर के ट्रेलर ने बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रभास के बाहुबली 2 का इंतजार लोगों को लंबे समय से था। जैसा ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ वैसे ही फैंस बस टूट पड़े यूट्यूब पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटों में 12,42,00,000 बार देखा गया था। बता दें कि बाहुबली 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने कुल 510.99 करोड़ का बिजनेस किया था। पूरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी इस स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में जहां विजय देवकोंडा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं तो उनके साथ ही अनन्या पांडे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान पूरी जगन्नाथ ने विजय के करियर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विजय देवरकोंडा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों के बाद से ही बड़े उभरते स्टार रहे हैं। वहीं अब एक्टर के साथ पहली बार काम करने वाले पूरी जगन्नाथ ने विजय देवरकोंडा के करियर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लाइगर के बाद दोनों जनगण मन में भी साथ काम करते दिखेंगे, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि विजय देवकोंडा भारत और भारतीय सिनेमा में बड़ा स्थान हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विजय देवकोंडा की के काम और मेहनत और जुनून को देखते हुए वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उनका मानना है कि उन्हें करियर में कई ऊंचाइयों पर उन्हें ले जाएगा उनका काम। उन्होंने कहा कि विजय भारत और भारतीय सिनेमा में अगली बड़ी चीज़ साबित होगी। बता दें कि लाइगर विजय देवकोंडा की पहली पैन इंडिया फिल्म है। ऐसे में फिल्म को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इससे उन्हें काफ़ी उम्मीदें भी हैं। इस फिल्म में विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे के अलावा रामी कृष्णन, रौनित रॉय भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे। ये फिल्म 25 अगस्त को हिंदी, तेलुगु के साथ तमिल और मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और भी सारी नई अपकमिंग मूवीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज़। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाज़त। टाटा बाय, टेक केयर।